Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. आज हम लोग आए वैली फोर्ज और वैली फोर्ज एक बहुत हिस्टोरिकल जगह है. यहाँ पे अमेरिकन हिस्ट्री के बहुत सारे इवेंट्स हुए थे. दोस्तों जब मैं इस वीडियो को कंबाइन कर रही थी ना तो ये एक बहुत लंबी वीडियो बनी थी, तो इसलिए मैं इसको पार्ट्स के अंदर ब्रेकअप करूँगी. इस वाले पार्ट के अंदर मैं आपको यहाँ का विजिटर सेंटर दिखाऊँगी जहाँ पे इन्होंने स्टैचूज वगैरह और सारी चीज़ें उन्होंने सेफली रखी हुई थी, जैसे कि उनकी गन्स वगैरह, उनके जो वेपन्स मिले थे और उस ज़माने में वॉर्स वगैरह हुआ करती थी तो वो कैसे करते थे, इंपॉर्टेंट लेटर्स जो कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह साइन हुई थी वो भी यहाँ पे थे लेटर्स. सो इट वाज वेरी कूल एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. दोस्तों मैं आप लोगों को वैली फोर्ज के बारे में एक फन फैक्ट बताती हूँ. ये वाली जो जगह है इट्स बेसिकली द लोकेशन ऑफ द 1777 टू 1778 इनकैंपमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल आर्मी जो कि जॉर्ज वाशिंगटन ने लीड की थी इन द अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर. ये पूरा पार्क जो है ये बेसिकली 3500 एकर्स का है, जिसके अंदर मेडोज, वुडलैंड्स और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं जो कि पुराने ज़माने के जो सेक्रीफाइसेस और जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स हुई थी हिस्ट्री के अंदर उनको ऑनर करते हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं. और उस ज़माने में लोगों ने जो मॉन्यूमेंट्स बनाए थे वो जो मिले हैं और उनके ऊपर जो मैसेजेस कार्व हुए हुए हैं वो वगैरह यहाँ पे. और आपको गाड़ी में जाना पड़ता है, वॉक करने की ये जगह नहीं है क्योंकि इट्स अ वेरी लार्ज पीस ऑफ लैंड. तो यहाँ पे आपको गाड़ी में जाना पड़ता है और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट, दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं इस पार्क को विजिट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल जगहें हैं, यहाँ पे पिक्चर्स लेते हैं. और एक और मज़े की बात है कि यहाँ पे आप बाइसिकल्स को भी रेंट कर सकते हैं और बाइसिकल से भी आप पूरी जगह को घूम सकते हैं, क्योंकि हमने भी दो तीन लोगों को देखा था जो बाइसिकल पे मज़े से जा रहे थे. सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू ट्राई दैट. और एक और इन लोगों का ऑप्शन था कि हम बस पे जाएं, तो वो बस बेसिकली आपको पूरे पार्क के थ्रू लेके जाती है, सारा टूर आपको देती है. लेकिन हमने कहा कि हम अपनी कार में जाएंगे बिकॉज दैट वॉज ईजियर और हम अपनी मर्जी से कहीं भी रुक के उतर के पिक्चर्स वगैरह भी खिंचवा सकते थे. और वैली फोर्ज का नाम वैली फोर्ज क्यों है, जब मैंने इसको रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि द नेम वैली फोर्ज कम्स फ्रॉम द आयरन फोर्ज जो इन लोगों ने बिल्ड की थी अलोंग द वैली क्रीक इन द 1740s. और वैली फोर्ज जो है ये पेंसिल्वेनिया में है और पेंसिल्वेनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हिस्ट्री के इवेंट्स हुए थे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशंस भी यहाँ पे साइन हुई थी और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी पेंसिल्वेनिया स्टेट हाउस के अंदर हुई थी. और ये एरिया स्पेसिफिकली उस इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था कि जब कॉन्टिनेंटल आर्मी यहाँ पे जब स्टे कर रही थी, जो इनकी इनकैंपमेंट यहाँ पे हुई थी, तो उनके पास फूड की रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और इसी वजह से बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ भी हुई थी. तो यहाँ पे उस लेटर की एक कॉपी इन्होंने लगाई हुई थी जब इन्होंने लेटर्स वगैरह लिखे थे फॉर फूड रिसोर्सेज. दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस ट्रैवल सेंटर के बारे में कुछ चीज़ें बताती हूँ. यहाँ पे हिस्टोरिकल डिस्प्ले तो था ही था, उसके साथ विजिटर्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी थी. फॉर एग्जांपल नॉलेजेबल स्टाफ था जिनसे आप कुछ भी पूछें दे विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड. और मैप्स एंड ब्रोशर्स भी थे ताकि आपको पूरे वैली का एक ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर और एक आइडिया आपको हो जाए कि आपने कहाँ जाना है, आपको कौन कौन से मेन जगह हैं जो आपको विजिट करनी है. और गिफ्ट शॉप भी थी जहाँ पे आप अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट्स वगैरह खरीद सकते थे. और क्लीन रेस्टरूम्स थे. और एक और कैरेक्टरिस्टिक था यहाँ का कि इट वाज वेरी ग्रीन, बहुत सारी ग्रीनरी थी, ट्रीज़ वगैरह थे, तो नेचर के बहुत ज़्यादा करीब था. तो यहाँ पे पिकनिक एरियाज भी थे जहाँ पे आप जाके पिकनिक अपनी फैमिली के साथ कर सकते थे, तो बहुत एक रिलैक्सिंग माहौल था वहाँ पे. और एक और फीचर इस विजिटर सेंटर का ये था कि यहाँ पे एक अलग से जगह बनी हुई थी जहाँ पे आप जाके ओरिएंटेशन फिल्म्स देख सकते थे और प्रेजेंटेशंस देख सकते थे जो कि आपको किसी स्पेसिफिक हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में या पार्क के अंदर किसी जगह के बारे में बहुत सारी और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते थे. तो वहाँ पर यू कुड गो एंड यू कुड वॉच एनी शॉर्ट फिल्म और एनी प्रेजेंटेशन एंड इट गिव यू लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन.
और ये थी यहाँ की गिफ्ट शॉप। यहाँ पे बहुत यूनिक चीज़ें थी, जैसे पुराने ज़माने के कॉइन्स काइंड ऑफ थे, उनके डूब्स थे, और यहाँ पे पुराने ज़माने के जैसे बच्चे टॉयज से खेलते थे, वुडन डाइस थी और निटिंग सेट्स वगैरह थे। तो बहुत यूनिक यहाँ पे इनकी ट्रैवल शॉप में चीज़ें थी, जो कि मैंने कभी किसी और ट्रैवल या गिफ्ट शॉप में नहीं देखी थी। मुझे स्पेसिफिकली इस गिफ्ट शॉप के बारे में जो मेरी फेवरेट चीज़ थी वो थी यहाँ की बुक्स, क्योंकि मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक है और यहाँ पे हिस्टोरिक इवेंट पे बहुत सारी बुक्स भी थी जो कि आप ले सकते थे, और उनके अंदर आपको स्पेसिफिक डेट्स वगैरह और हर चीज़ के साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। मैंने भी इस गिफ्ट शॉप से कुछ सुवेनियर्स लिए थे। एक तो मैंने ये बहुत क्यूट सा पेन लिया था जिसके अंदर लिखा हुआ था वैली फोर्ज, और इसके साथ एक छोटा सा स्टार भी लगा हुआ था और इसके अंदर ग्लिटर भी था। और एक ये मैंने थोड़ा कैमोफ्लाज ग्रीन कलर का एक मग लिया था जिसके ऊपर लिखा हुआ था वैली फोर्ज, और इट वॉज़ अ वेरी यूनिक मग। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को पार्क का विजिट करवाऊंगी, वो बहुत यूनिक और मज़े का एक्सपीरियंस होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।